वालेकुम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम इंटर एट्रियल सेप्टम बेसिकली एक सेप्टम है एक पार्टीशन है जो कि एट्रियल चैम्बर को राइट और लेफ्ट एट्रियम के अंदर डिवाइड कर देता है इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंटर एट्रियल सेप्टम की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है इंटर एट्रियल सेप्टम की डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें हार्ट ट्यूब के बारे में पता होना चाहिए और इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम हार्ट ट्यूब की डेवलपमेंट को डिस्कस कर चुके हैं तो आई होप आपने उस वीडियो को भी जरूर देखा होगा तो आप सबको पता है कि इनिशियली फीटस के अंदर दो हार्ट ट्यूब्स की फॉर्मेशन होती है ठीक है स्टार्टिंग के अंदर फीटस के अंदर दो हार्ट ट्यूब बनती हैं राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर और उसके बाद क्या होता है कि वो दोनों जो हार्ट ट्यूब्स होती हैं वो आपस में आकर फ्यूज हो जाती हैं मिड लाइन में और उस फ्यूजन के बाद एक सिंगल हार्ट ट्यूब की फॉर्मेशन होती है वो जो सिंगल हार्ट ट्यूब बनती है उसके फोर पार्ट्स होते हैं और उसके टू एंड्स होते हैं ठीक है दो हार्ट ट्यूब्स आपस में मिलकर फ्यूज होकर एक सिंगल हार्ट ट्यूब बनाती हैं और उसके फोर पार्ट्स होते हैं फोर पार्ट्स कौन से होते हैं हार्ट ट्यूब के सबसे पहले आप देखते हैं बल्बस कॉर्डिस बल्बस कॉर्डिस के बाद नीचे की तरफ आए तो प्रेमेटिव वेंट्रिकल प्रिमिटिव वेंट्रिकल से नीचे आते हैं तो प्रिमिटिव एट्रियम और उसके बाद आता है साइनस विनोसिस तो ये फोर पार्ट्स होते हैं हार्ट ट्यूब के जो क्रैनियल एंड होता है बल्बस कॉर्डिस वाला ये वाला एंड होता है आर्टेरियल एंड ऑफ हार्ट ट्यूब ठीक है ये जो बल्बस कॉर्डिस वाला क्रैनियल एंड है ये है आर्टेरियल एंड ऑफ हार्ट ट्यूब और जो साइनस विनोसिस वाला एंड होता है कॉडल एंड उसे हम कहते हैं वीनस एंड ऑफ हार्ट ट्यूब तो ये हमारे पास एक आरटीएल एंड है एक वीनस एंड है और फोर पार्ट्स होते हैं हार्ट ट्यूब के बल्बस कॉर्डिस प्रेमेटिव वेंट्रिकल प्रेमेटिव एट्रियम और साइनस विनोसस जो प्रेमेटिव वेंट्रिकल है और प्रेमेटिव एट्रियम है ठीक है प्रेमेटिव वेंट्रिकल और प्रेमेटिव एट्रियम इनके दरम्यान में एक सर्कुलर कम्युनिकेशन होती है एक सर्कुलर कैनाल होता है और उस केनाल को हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल या फिर एवी वी केनाल ठीक है उस कैनाल को हम कहते हैं एट्रियो कुलर कैनाल ठीक है जो प्रिमेटिव वेंट्रिकल है और प्रिमेटिव एट्रियम है उनके दरमियान में एक सर्कुलर कम्युनिकेशन होती है यहां पे और उस सर्कुलर कम्युनिकेशन को हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल या फिर एवी कैनाल ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल होता है स्टार्टिंग के अंदर इसकी सर्कुलर शेप होती है लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता तो है कि ये एक ट्रांसफर शेप बन जाती है इसकी यहाँ पे मैंने इसके स्टेप्स ड्रॉ कर दिए हैं आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है वो एक राउंड शेप के अंदर होता है एक सर्कुलर गोल शेप के अंदर होता है और उसके बाद क्या होता है ये राउंड शेप एक ट्रांसफर शेप के अंदर आ जाती है तो यहाँ सेकेंड में आप देख सकते हैं ये ट्रांसफर शेप में हो गया जब एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल ट्रांसवर्स शेप में आ जाता है तो इसके अंदर दो थिकनिंग्स अपेयर होती हैं ठीक है जो एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है इसकी डॉर्सल वॉल है और एक वेंट्रल वॉल है तो डॉर्सल और वेंट्रल वॉल के ऊपर इसके अंदर दो थिकनिंग्स ठीक है स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर थिकनिंग्स स्टार्ट हो जाती है इन द एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल एक डॉर्सल वॉल के ऊपर एक वेंट्रल वॉल के ऊपर और इन थिकनिंग्स को हम कहते हैं एट्रीओवेंट्रिकुलर कुशंस ठीक है एट्रियो कुलर क्वेश्चन और इसके अलावा हम इन्हें वेंट्रल एंड ऑर्सेल एंडोकार्डियल एंडो क्वेश्चन भी कहते हैं तो सिंपल सी चीज़ है कि हमने अभी देखा कि जो एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल है जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द प्रेमेटिव वेंट्रिकल और प्रेमेटिव एट्रियम के दरमियान वो एक सर्कुलर शेप में है वो सर्कुलर शेप से चेंज हो जाती है ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन टू द ट्रांसवर्स फॉर्म ट्रांसफर्स शेप में आ जाता है इस तरीके से जब वो ट्रांसफर्स शेप में आता है तो उसकी जो डॉसल वॉल है और वेंट्रल वॉल है उन दोनों की मिड लाइन के अंदर जो मिड के अंदर थिकनिंग्स अपेयर होती हैं और उन थिकनिंग्स को हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर क्वेश्चन या फिर हम उन्हें कहते हैं वेंट्रल एंड डोर्सल एंडोकार्डियल क्वेश्चन ठीक है इन थिकनिंग्स को हम कहते हैं ये जो दो थिकनिंग्स अपेयर हुई हैं ठीक है वेंट्रल एंड डोर्सल एंडोकार्डियल क्वेश्चन ये थिकनिंग्स ग्रो करती हैं और मिड लाइन में आकर आपस में इस तरीके से मिल जाती हैं इस वाली पिक्चर में आप अप्रीशिएट कर सकते हैं कि जो डॉर्सल और वेंट्रल एंडोकार्डियल क्वेश्चन हैं ठीक है एट्रियो वेंट्रिकुलर क्वेश्चन हैं ये आपस में आकर मिल जाते हैं और जब ये दोनों क्वेश्चन आपस में मिल जाते हैं तो जो एट्रीओवेंट्रिकुलर कैनाल है वो राइट और लेफ्ट हाफ के अंदर डिवाइड हो जाता है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल को राइट और लेफ्ट हाफ के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन हैं ये आपस में मिल गए तो इनके मिलने की वजह से जो कैनाल है वो डिवाइड हो गया राइट और लेफ्ट हाफ के अंदर तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन हैं ये एक सेप्टम फॉर्म करवा रहे हैं और उस सेप्टम को हम कहते हैं सेप्टम इंटरमीडियम ठीक है सेप्टम इंटरमीडियम क्योंकि दोनों क्वेश्चन हैं वो आपस में आके इस तरीके से मिल जाते हैं ठीक है और वो जो हमारा एवी केनाल है उसको राइट और लेफ्ट हाफ के अंदर डिवाइड कर दिया और एक सेप्टम बन गया ना एक एक केनाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एक सेप्टम बन गया और इस सेप्टम को हम कह रहे हैं सेप्टम इंटरमीडियम इस वाली पिक्चर के अंदर आप ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अगर आप यहां पर देखते हैं ये बीच के अंदर एक सेप्टम बन गया इस सेप्टम को हम कह रहे हैं सेप्टम इंटरमीडियम सेप्टम इंटरमीडियम की, की वजह से अब हम देख सकते हैं कि ये वाला राइट साइड हो गई और ये वाली लेफ्ट साइड हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास राइट एट्रियम है ये लेफ्ट एट्रियम है ये राइट वेंट्रिकल है और ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है और सेंटर के अंदर हमारे पास जो फॉर्मेशन हो जाती है सेप्टम इंटरमीडियम की तो इस सेप्टम इंटरमीडियम के बनने के बाद हम कह सकते हैं कि ये यह यहाँ पे राइट right साइड है और ये राइट लेफ्ट साइड है उसके बाद अगर हम दोबारा हार्ट ट्यूब के अंदर आते हैं और हम देखते हैं कि जो प्रेमेटिव एट्रियम है और जो साइनस विनोसिस है यहाँ पर बेसिकली ये जो एक कम्युनिकेशन है ये जो एक ओपनिंग है साइनस विनोसिस की ये प्रीमेटिव एट्रियम है और नीचे की तरफ ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली ओपनिंग है साइनस विनोसिस की तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं साइनो एट्रियल ऑरिफाइस ठीक है प्रेमेटिव एट्रियम और साइनस विनोसिस के दरमियान में जो ओपनिंग है जो दोनों को कम्युनिकेट कर रही है उसे हम कहते हैं साइनो एट्रियल ऑरिफाइस साइनो एट्रियल ओरिफिस ये जो साइनो एट्रियल ऑरिफिस होता है बेसिकली जब डेवलपमेंट हो रही होती है ठीक है जब राइट एंड लेफ्ट एट्रियम की फॉर्मेशन हो रही होती है तो जो साइनो एट्रियल है ये ये वाला जो रीजन है इनकॉर्पोरेट इन टू दिन टू द राइट एट्रियम के अंदर ठीक है जब डेवलपमेंट हो रही होती है हार्ट की फ्रॉम द हार्ट ट्यूब जो एट्रील ऑरिफिस वाला रीजन है ये वाला ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है इन टू द राइट एट्रियम ठीक है और इनिशियली ये बेसिकली पोस्टीरियर जो वॉल होती है राइट right एट्रियम की उसके ऊपर प्रेजेंट होता है इन द मिड लाइन के अंदर ठीक है इनिशियली तो बेसिकली एक पूरा एट्रियल चैम्बर होता है तो एट्रियल चैम्बर की जो पोस्टीरियर वाली वॉल होती है उसके ऊपर जो हमारा साइनो एट्रियल होता है ये इस तरीके से ट्रांसवर्स प्रेजेंट होता है स्टार्टिंग में ये होता है मिड आ, मिड के अंदर मिड ऑफ द एट्रियल चैम्बर के अंदर उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट कंटिन्यू होती है तो ये राइट साइड की तरफ मूव कर जाता है ठीक है पहले ये मिड में होता है उसके बाद ये राइट साइड की तरफ मूव कर जाता है और ये ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है साइनो एट्रियल ऑरिफिस ठीक है राइट right एट्रियम के अंदर और उसके बाद क्या होता है ये ट्रांसवर्स जो इसकी ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है तो ये उसके बाद अपनी शेप को चेंज करता है अपनी पोजिशन को चेंज कर लेता है और एक वर्टिकल शेप में आ जाता है स्टार्टिंग में ये ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है उसके बाद ये इस तरीके से वर्टिकली प्रेजेंट होता है तो अब मैं यहाँ आपको उसको शो कर देता हूँ ये राइट right साइड है तो ये राइट right साइड पे इस तरीके से राइट right एट्रियम के अंदर वर्टिकली प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली होता है साइनो एट्रियल ऑरिफिस अब साइनो एट्रियल जो ऑरिफिस है आप देख सकते हैं इसके दो लिप्स होते हैं एक ये वाला लिप है एक ये वाला लिप है तो इन्हें हम कह देते हैं बेसिकली राइट एंड लेफ्ट वीनस वॉल्स ठीक है ये राइट एंड लेफ्ट वीनस वॉल्व तो आप यहां देख सकते हैं ये लेफ्ट वाला है ये राइट right वाले दो लिप्स हैं बेसिकली हम सिंपल सी बात करेंगे साइनो एट्रियल ऑरिफिस है जो इनकॉर्पोरेट हो रहा है इन टू द राइट एट्रियम में इनिशियली ये ट्रांसवर्स होता है लेकिन उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वर्टिकली प्रेजेंट होता है राइट right एट्रियम के अंदर तो इसके इस तरीके से प्रेजेंट है इसके दो लिप्स हैं एक है हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक है राइट right साइड पे तो इनको हम कह देते हैं राइट एंड लेफ्ट वीनस वॉल्वस राइट एंड लेफ्ट वीनस वॉल्व्स अब ये जो राइट एंड लेफ्ट वीनस वॉल्स होते हैं ये जो बिल्कुल ऊपर की तरफ ठीक है जो रूफ ऑफ द एट्रियम है यहाँ पर इस वाले एरिया के अंदर ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और इनकी फ्यूजन की वजह से एक सेप्टम बनता है उसे हम कहते हैं सेप्टम स्पूरियम सिर्फ ऊपर की तरफ पूरी लेंथ के ऊपर ये दोनों लिप्स आपस में राइट एंड लेफ्ट वीनस वॉल्स आपस में फ्यूज़ नहीं होते इनका जो रूफ वाला एरिया होता है जहाँ पर एट्रियल रूफ होती है एरिया सिर्फ ये वाला एरिया आपस में फ्यूज हो जाता है और इस फ्यूजन के बाद ये जो सेप्टम बनता है इस सेप्टम को हम कहते हैं सेप्टम स्पोरियम आई होप यहां तक आपको क्लियर है अब हम दोबारा से एल्ट्रियम की तरफ आ जाते हैं ठीक है जो हमारे पास पूरी एल्ट्रियल एक चैम्बर है ठीक है अभी वो प्रेजेंट है उसमें अभी डिवीजन नहीं हुई है तो लेट्स किस तरीके से सेप्टम डेवलप होते हैं और वो डिवाइड करते हैं हमारे एट्रिया एट्रियल चैम्बर एट्रियल कैविटी को इन द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम अगर हम देखते हैं इनिशली तो हमारे पास ये पूरी एक एट्रियल चैम्बर प्रेजेंट है इसके अंदर जो रूफ है ये रूफ है हमारे एट्रियम की इस रूफ ऑफ एट्रियम के अंदर से एक सेप्टम बनता है और वो सेप्टम डाउनवर्ड एक्सटेंड करता है और उस सेप्टम को हम कहते हैं सेप्टम प्राइमम ठीक है जो पहला सेप्टम बनता है इन द एट्रियल चैम्बर जो कि रूफ ऑफ एट्रियम से नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्सटेंड करता है उसे हम कहते हैं सेप्टम प्राइमम सेप्टम प्राइमम सेप्टम सिंपल पार्टीशन होता है प्राइमम का मीन्स होता है लैटिन लैंग्वेज के अंदर प्राइमम कहते हैं फर्स्ट को तो ये पहला सेप्टम बन रहा है जो कि डिवाइड कर रहा है एट्रियल कैविटी को एट्रियल चैम्बर को इसलिए हम इसे कहते हैं सेप्टम प्राइमम तो ये पहला हमारे पास सेप्टम बन जाता है अब ये सेप्टम इसका जो कोशिश क्या होती है सेप्टम की ये सेप्टम बेसिकली कोशिश करता है कि नीचे जाकर सेप्टम इंटरमीडियम यहाँ पे जो सेप्टम इंटरमीडियम की फॉर्मेशन हुई है ठीक है ये जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन से ठीक है तो ये जो हमारा सेप्टम प्राइमम है ये कोशिश करता है कि मैं नीचे जाऊँ और जाकर सेप्टम इंटरमीडिएट के साथ मिल जाऊं ठीक है सेप्टम इंटरमीडियम के साथ मिल जाऊं तो इनिशियली तो ये सेप्टम इंटरमीडिएट के साथ नहीं मिलता इंटरमीडियम के साथ तो एक गैप होता है ये हमारे पास राइट right एट्रियम है ये लेफ्ट एट्रियम है तो इनिशियली क्या है कि जब ये कनेक्ट जब पूरा सेप्टम प्राइमम नहीं बना कि नीचे जा तक पूर, पूरे तरीके से ये सेप्टम इंटरमीडिएट ये जो हमारे पास सेप्टम इंटरमीडियम के साथ अभी कनेक्ट नहीं हुआ है सेप्टम प्राइमम स्टिल देयर इज अ कम्युनिकेशन ठीक है राइट और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में एक कम्युनिकेशन प्रेजेंट है इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं बेसिकली ऑस्टियम प्राइमम ऑस्टियम प्राइमम सिंपली है कि हमारे पास पहले ये रूफ ऑफ द एट्रियम से एक सेप्टम बना जिसे हमने कहा कि सेप्टम प्राइमम सेप्टम प्राइमम नीचे की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड और ये कोशिश करता है कि ये मिल जाए सेप्टम इंटरमीडियम के साथ लेकिन इनिशियली ये उसके साथ नहीं मिलता दोनों के दरमियान में एक गैप होता है उस गैप को हम कहते हैं ऑस्टियम प्राइमम ऑस्टियम हम फॉरामैन भी कह सकते हैं ठीक है फॉरामैन प्राइमम या फिर ऑस्टियम प्राइमम ऑस्टियम इज सिंपली फोराम ठीक है तो ऑस्टियम प्राइमम या फिर फोरामैन प्राइमम तो ये कम्युनिकेशन बेसिकली क्यों होता है तो आपको पता है कि जो फीटस होता है उसके अंदर जो लंग्स होते हैं वो अभी वर्किंग कंडीशंस में नहीं होते ठीक है तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है प्लेसेंटा से वो हमारे राइट right एट्रियम से शंट होकर राइट एट्रियम से मूव करता है लेफ्ट एट्रियम की तरफ ताकि बॉडी में सर्कुलेट हो सके तो इसलिए जो कम्युनिकेशन होती है राइट right और लेफ्ट एट्रियम की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन द फीटल लाइफ तो पहली कम्युनिकेशन हमें ये मिल जाती है जिसे हम कह देते हैं ऑस्टियम या फिर फॉराम प्राइमम अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे डेवलपमेंट कंटिन्यू हो रही होती है तो ये सेप्टम प्राइमम होता है ये नीचे आकर मिल जाता है सेप्टम इंटरमीडियम के साथ तो नीचे आके ये सेप्टम कंप्लीट हो जाता है और ये मिल जाता है सेप्टम इंटरमीडियम के साथ तो अब ये जो कम्युनिकेशन थी राइट right और लेफ्ट एट्रियम की ये क्लोज हो जाती है लेकिन ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फीटल लाइफ तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ऊपर वाला एंड होता है सेप्टम प्राइमम का वहां पर एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाती है जो सेल्स होते हैं वहां पर वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ में चले जाते हैं ये जो ऊपर वाले एरिया है सेप्टम प्राइमम का इस वाले पर्टिकुलर रीजन के ऊपर एपोप्टोसिस हो जाती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है कुछ सेल्स की ताकि यहां पर भी एक फॉराम क्रिएट किया जा सके जहां से ब्लड मूव कर सके फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट एट्रियम और इस सेकेंड जो फॉराम होता है इस फॉराम को हम कहते हैं ऑस्टियम सेकंडम ठीक है ऑस्टियम सेकंडम आप फॉराम सेकंडम कह दें इसको ऑस्टियम कह दें कुछ भी कह सकते हैं तो एक सेकेंड ओपनिंग बनती है इन द अपर पार्ट ऑफ सेप्टम प्राइमम और उसे हम कहते हैं ऑस्टियम या फिर फॉराम सेकंडम ठीक है और यहां से फिर ब्लड मूव कर रहा होता है अब उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में रूफ ऑफ द एट्रियम के साथ एक और सेप्टम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और एक सेकेंड सेप्टम बन जाता है ठीक है और सेकेंड सेप्टम कहाँ बनेगा ये हमारे पास बेसिकली साइनो एट्रियल ऑरीफिस थी जिसके हमारे पास दो वॉल्स बन गए दो लिफ्ट बनते हैं और फिर उसमें से दो वॉल्स बन जाते हैं राइट एंड द लेफ्ट वीनस वॉल्स ये जो साइनो एट्रियल ऑरिफिस है और ये सेप्टम प्राइमम है इन दोनों के दरम्यान में ये वाली जो स्पेस होती है यहाँ पर बेसिकली सेप्टम प्राइमम के राइट right साइड के ऊपर ये जो स्पेस है यहाँ पर एक हमारे पास सेप्टम बन जाता है सेकेंड सेप्टम फ्रॉम द रूफ ऑफ एट्रीम और ठीक है और जो सेप्टम सिकंडम होता है ये यह आप यहां पर उसको देख सकते हैं कि वो सेप्टम सेप्टम सिकंडम इस तरीके से नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करता है और उसका बेसिकली एम नहीं है कि वो जाकर इस हमारे पास जो सेप्टम इंटरमीडियम है इसके साथ वो कनेक्ट नहीं होना चाहता सेप्टम प्राइमम तो होना चाहता था कनेक्ट लेकिन सेप्टम सेकंडम सेप्टम इंटरमीडिएट के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहता ये सेप्टम सिंपली आता है और नीचे की तरफ आकर ये जो हमारा फॉराम सेकंडम था ऑस्टियम सेकंडम था इसको ओवरलैप कर लेता है ठीक है और यहाँ पर आकर रुक जाता है अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा फॉराम था फॉराम सेकंडम हमारा है वो बेसिकली उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई पहले वो सिंपल एक ओपनिंग थी ब्लड यहाँ से जा रहा है यहाँ से आ रहा है लेकिन अब बेसिकली आप देख सकते हैं इस तरीके से एक ओपनिंग बन गई है पहले सिंपली ये ओपनिंग थी ठीक है अब इस तरीके से एक डायगनली वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर बन गया है ठीक है तो एक जो डायगनली एक वॉल्व लाइक -like जो स्ट्रक्चर बन जाता है बेसिकली सिंपली हम ऑस्टियम सिकंडम को इस एरिया पर आकर इसकी जो शेप चेंज हुई है इस वजह से उसको रिनेम कर देते हैं एज फॉराम ओवेल ठीक है जो ऑस्टियम सिकंडम है सिंपली उसको हम उसको रिनेम कर रहे हैं आप सिंपली समझ लें क्योंकि जो हमारा सेप्टम सिकंडम है वो उसको ओवरलैप कर लेता है तो एक डायग्नली इस तरीके से एक वॉल फ्लैग स्ट्रक्चर बन गया और इससे हम कह देते हैं फॉरामेन ओवेल फॉराम ओवेल और इस तरीके से ब्लड यहां से मूव कर रहा होता है और इसे हम कह रहे हैं ओवेल तो फोराम ओवेल आप अगर देखें जो हमारा फीटस होता है ना उसके अंदर जो राइट right एट्रियम है राइट right साइड है जो हार्ट की वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है ब्लड का ठीक है ये राइट right साइड ये लेफ्ट साइड है तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा है तो यहां ब्लड ज्यादा प्रेशर से मूव कर रहा है तो उस प्रेशर की वजह से ये जो ब्लड है यहां से मूव करके सीधा सीधा चला जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर ठीक है अब ये जो आप अगर कंपेयर करते हैं फॉरम इन सॉरी सेप्टम को विद सेप्टम सेप्टम प्राइमम जो है है ये वाला ठीक इसका जो एंड होता है वो थिक होता है और वो मूव नहीं करता वो बिल्कुल एक थिक एंड होता है सेप्टम सेकंडम का और अगर आप सेप्टम प्राइमम का ये वाला जो नीचे वाला एंड ठीक है ये सेप्टम प्राइमम है ये हमारे पास फॉराम uh, सेकंडम है फॉराम सेकंडम का ये जो नीचे वाला एंड है सेप्टम प्राइमम का अगर आप इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल थिन होता है और ये मोबाइल होता है यानी मूव करता है और एक फ्लैप की तरह होता है थिन मोबाइल फ्लैप होता है ये अब आप इमेजिन करें अपने जहन में कि जब ब्लड मूव करेगा फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड ठीक है जब प्रेशर ज्यादा होगा राइट right एट्रियम के अंदर फीटा लाइफ के अंदर तो ब्लड इजीली यहां से जाएगा और इस फ्लैप ब्लड यहाँ से यूँ जाएगा तो ये फ्लैप इस तरीके से गिर जाएगा और ब्लड अंदर की तरफ चला जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ ठीक है तो सिंपल प्रोसेस तो यही होता है लेकिन आफ्टर द बर्थ क्या होगा कि लंग्स हमारे जो फीटस के लंग्स होते हैं वो फंक्शनल हो जाएंगे तो लेफ्ट साइडेड जो हार्ट का प्रेशर होता है ब्लड का वो बढ़ जाएगा उस प्रेशर की वजह से अब आप यहाँ से इमेजिन करें कि यूँ ब्लड आया तो ये वाला जो फ्लैप है वो इस तरीके से पलट जाएगा लेकिन जो सेप्टम सेकंडम है जिसका ये वाला जो है ये अपनी जगह पर ही रहेगा तो अब ये फ्लैप यूं गिर जाएगा तो यूं गिरने की वजह से फ्लैप यहां से ये वाला जो फ्लैप होगा वो इस तरीके से आके इसके ऊपर लग जाएगा ठीक है और यहां पर इसकी फ्यूजन हो जाएगी और जो हमारा फॉराम ओवेल होता है वो आफ्टर द बर्थ क्लोज हो जाता है ठीक है तो फॉराम जो हमारा है फॉराम ओवेल वो आफ्टर द बर्थ क्लोज हो जाता है लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि Uh, हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरी uh, की जो हाइपर होती है उसकी वजह से जो राइट साइडेड प्रेशर होता है इन द हार्ट वो बढ़ जाता है तो उसके बाद ये जो हमारा जो फॉरम एन ओवेल है ये क्लोज़ नहीं होता उस वजह से क्योंकि जो प्रेशर होता है आफ्टर द बर्थ जो पल्मोनरी आर्टरी की हाइपर होती है उसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो राइट साइड पर रहता है और उस राइट साइड प्रेशर की वजह से भी ये फॉरम एन ओवेल क्लोज नहीं होता और शेंटिंग होती रहती है ब्लड की फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट साइड तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे बन जाते हैं अब यहां पर आपने एक चीज देखनी है कि ये जो हमने इस तरीके से एट्रियम को ड्रॉ किया हुआ है आप इसी में देख लें तो अब यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास सेप्टम प्राइम है ये जो फ्लैप होता है नीचे वाला ये जाके इस तरीके से इसके साथ मिल जाता है और इन दोनों की फ्यूजन हो जाती है और ये क्लोजर हो जाता है अब इस फ्यूजन के बाद आप देखते हैं यहां पर बेसिकली एक स्पेस बन जाती है एक फोसा बन जाता है इन द लोअर एंड ऑफ सेप्टम प्राइमम सेप्टम प्राइमम का ये जो नीचे वाला एंड है ये जब इस तरीके से मिलेगा सेप्टम सेकंडम के लोअर एंड के साथ तो इसके अंदर एक यहाँ पर एक फोसा बन गया ठीक है एक स्पेस बन गई तो उस फोसा को हम कहते हैं फोसा ओवेलिस फोसा ओवेलिस फोसा ओवेलिस सिंपल क्या है जो हमारा फॉरम एंड जो हमारा सेप्टम प्राइमम है वो इस तरीके से फ्लैप होता है और वो जाकर इसके साथ मिल जाता है ऊपर लोअर एंड ऑफ सेप्टम सेकंडम के साथ तो यहाँ पे जो स्पेस बन रही है उसे हम कहते हैं फोसा अब फोसा के ऊपर वाला एरिया आप यहां देखते हैं जो लोअर एंड होता है सेप्टम सेकंडम का वो नीचे की तरफ आ रहा होता है ठीक है इस तरीके से फ्यूजन हो गई तो ये जो लोअर एंड है ये बाकी रह गया तो जो लोअर एंड होता है वो सेप्टम सेकंडम का वो एक रिज लाइक प्रेजेंट होता है एक रिज बना रहा होता है और उस रिज को हम कहते हैं लिम्बस ऑफ फोसा ओवैलिस लोअर एंड है हमारा जो सेप्टम सिकंडम का उसे हम कह देते हैं लिंबस ऑफ फोसा ओवैलिस तो ये हमारे पास आ जाता है लिंबस ऑफ फोसा ओवैलिस तो उसके बाद हम देख ले सकते हैं कि कुछ क्या एनोमलीज़ हो सकती हैं ठीक है एनोमलीज़ uh, से पहले हम एक और चीज देख लेते हैं हमने इसको छोड़ दिया अभी ये जो हमारा साइनो एट्रियल था हमने कहा कि इसकी दो लिप्स होती हैं एक राइट एंड द लेफ्ट वीनस वॉल्व और ये ऊपर की तरफ फ्यूजन हो जाती है इन दोनों वॉल्स की और जिसकी वजह से सेप्टम से स्पोरियम की फॉर्मेशन होती है तो अब इनका क्या होगा अब सिंपली आपने देखना है सेप्टम स्पोरियम और जो लेफ्ट वाला वॉल्व है ठीक है लेफ्ट वीनस वॉल्व ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम के साथ सेप्टम स्पोरियम और जो लेफ्ट वीनस वॉल्व है वो दोनों उन दोनों की फ्यूजन हो जाएगी इंटर एट्रियल सेप्टम के साथ ठीक है पोज करें ये हमारा राइट राइट वाला हाफ है कि लेफ्ट वाला और यहाँ पर इन दोनों की फ्यूजन हुई है सेप्टम, स्पूरियम, तो ये सेप्टम, स्पूरियम और लेफ्ट जो वीनस वॉल्व है ये सारा का सारा फ्यूज कर जाएगा इंटर एट्रियल सेप्टम के साथ ठीक है अब रह गया राइट तो हमारा जो राइट वीनस वॉल्व होता है ठीक है जो राइट वाली साइड होती है वीनस वॉल्व की वो बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है बाय सुपीरियर एंड इनफीरियर लिंबिक बैंडस ठीक है यहां में लिख देता हूं सुपीरियर और इन्फीरियर लिम्बिक बैंड्स तो सुपीरियर और इन्फीरियर लिम्बिक बैंड्स होते हैं वो राइट वीनस वॉल्व को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ठीक है सुपीरियर लिम्बिक बैंड्स होते हैं इस तरीके से और नीचे इंफीरियर लिम्बिक बैंड्स होते हैं ये जो हमारा राइट right साइड पे जो राइट वीनस वॉल्व है इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जो हमारे स्टार्टिंग पहला जो पार्ट होता है वो फॉर्म करवाता है क्रिस्टा टर्मिनेलिस ठीक है मैं यहां लिख देता हूं ठीक है क्रिस्टा टर्मिनालिस पहला पार्ट क्रिस्टा टर्मिनालिस बेसिकली एक मस्कुलर रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है हार्ट का तो वो यहां से फॉर्म होता है उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो फॉर्म करवाता है वॉल्व ऑफ इंफीरियर वीना कावा वॉल्व ऑफ इंफीरियर वीना कावा तो इंफीरियर वीना कावा का वॉल्व कहां से आ रहा है सेकेंड पार्ट ऑफ द राइट वॉल्व पता होना चाहिए और जो तीनों पार्ट है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म करवा रहे हैं तो यहां तक अभी हमने देख लिया कि इंटर एट्रियल सेप्ट की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है तो अब ये जो जितनी डेवलपमेंट हो रही है इसके अंदर कोई एनोमलीज भी आ सकती हैं कोई डेवलपमेंटल इशू भी आ सकता है तो वो कौन कौन से तो हमारे यहां पे यह आपने देखा कि हार्ट के अंदर वॉल्स बन रहे हैं तो आप सपोज करें कि सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा आ गया ठीक है हमारा फॉराम प्राइमम आ गया फॉर सपोज करें प्राइमम क्लोज नहीं होता तो ये एक डिफेक्ट आ सकता है ठीक है नॉन क्लोजर हो सकती है फॉराम प्राइमम की उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर हमारा बनता है फॉराम सेकंडम तो एक कंडीशन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि हमारा जो सेप्टम सिकंडम बनाए ये बने ही ना तो जब सेप्टम सिकंडम नहीं बनेगा तो एक वाइड ओपनिंग रह जाएगी बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम में जो कि शंटिंग और मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी जिसकी वजह से थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये हमारे पास सेप्टम सिकंडम तो बन जाए लेकिन Uh, किसी भी कंडीशन जैसे मैंने आपको कहा कि पल्मोनरी आर्टरी की हाइपरटेंशन होगी तो राइट right साइड पे प्रेशर ज्यादा रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फॉराम ओवेल है वो क्लोज नहीं होगा तो पैटेंट फॉराम ओवेल हो जाएगा ठीक है ऐसा हो सकता है अब एक और कंडीशन होगी जिसके अंदर फॉराम ये सेप्टम सिकन्डम भी सही से बनेगा और फॉराम ओवेल क्लोज भी हो जाएगा लेकिन स्लाइड सी ठीक है थोड़ी एक लेफ्ट लाइक ओपनिंग रह जाएगी फॉरामेन ओवेल की जो कि कम्युनिकेट कर रही होगी राइट right और लेफ्ट एट्रियम के साथ Uh, लेकिन ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है क्योंकि प्रेशर लेफ़्ट साइड पर ही ज़्यादा होता है और ये शंटिंग ऑफ ब्लड भी नहीं कर सकती बहुत माइन्यूट ओपनिंग होती है तो इस तरह की ओपनिंग भी हो सकती है इसे सिर्फ सर्जन प्रोब के जरिए देख सकते हैं कि ओपनिंग है क्लेफ्ट है लेकिन इसकी कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है. तो ये कुछ कंडीशन हो सकती हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं थैंक यू सो मच